टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बनते हैं। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बनते हैं। हर एनिमल में अगर हम एक एनिमल की भी बात करें तो एक एनिमल की बॉडी में भी हज़ारों टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो बनते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं एक एनिमल बॉडी के लिए, जिसको एनिमल हर हाल में अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो कहलाते हैं नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट कि ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। तो बात की हमने कि वैसे तो एनिमल बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, लेकिन वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हैं वो होते हैं। अब एनिमल बॉडी में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हैं ये भी आगे तीन तरह के होते हैं। कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें हाई नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है, नाइट्रोजन की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऐसे भी हैं जिनमें कम मकदार में लेस मीडियम लेवल हम कह सकते हैं मीडियम लेवल जो है वो नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है। और नंबर थ्री जो हैं वो जिसमें बहुत ही कम जो है वो नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है। तो एनिमल बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हैं जिनमें नाइट्रोजन की मकदार बहुत कम होती है। अब अगर हम देखें कि एनिमल्स में हाई नाइट्रोजन वाले जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं, तो उनमें तीन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये वो तीन ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनमें नाइट्रोजन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा इन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से फौरन निकालना जो है वो एनिमल के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम मीडियम लेवल नाइट्रोजन वाले मेटाबॉलिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो क्रेटिनाइन है और इसके साथ साथ जो है वो ट्राईमिथाइलामाइन ऑक्साइड है, हम पीछे बात कर चुके हैं TMO। और अगर हम लेस नाइट्रोजन वाले वेस्ट मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो हैं प्योरीन्स और पायरीमिडीन्स हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं पायरीमिडीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जब उनकी बॉडी में ये वाले जब नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं इनको कुछ एनिमल्स इन नाइट्रोजनस वेस्ट को मज़ीद अपनी बॉडी में जो है वो तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। अब जब ये वेस्ट मटेरियल्स जो हैं जब इनको बॉडी में तोड़ा जाएगा तो इनसे जो आगे वेस्ट मटेरियल्स बनेंगे उसमें ज़ैंथीन है हाइपोज़ैंथीन है एलनटाइन है। तो ये वो चंद ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो प्योरीन्स और पायरीमिडीन्स की ब्रेकडाउन से जो हैं वो बनते हैं। अब देखना ये है कि एनिमल्स में वो कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी ब्रेकडाउन से ये डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बनते हैं। तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल बॉडी में दो ऐसे मटेरियल्स हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट बनने का जो है वो बायस बनते हैं। उनमें नंबर वन अगर हम जिक्र करें तो नंबर वन जो है वो प्रोटीन्स हैं। अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी खुराक फूड के ज़रिए भी बॉडी में दाखिल होती हैं,
एनिमल बॉडी में, और प्रोटीन्स अल्टीमेटली ऑलरेडी जो है वो बॉडी में सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। दूसरा जो मटेरियल है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड जो एनिमल बॉडी में डीएनए और आरएनए की सूरत में जो है वो मौजूद होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये वो दो ऐसे मटेरियल्स हैं जो एनिमल बॉडी में डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने का जो है वो सबब बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? अब अगर हम प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो एनिमल बॉडी में प्रोटीन्स को जब तोड़ा जाता है तो प्रोटीन्स के टूटने से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनते हैं, अमाइनो एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स को जब तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी में जब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जाता है तो डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, डिफरेंट टाइप्स की नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो वजूद में आती हैं। अब प्रोटीन्स के टूटने से जो अमाइनो एसिड बनता है और न्यूक्लिक एसिड्स के टूटने से जो नाइट्रोजनस बेस बनता है बॉडी के अंदर ख़ास तौर पर लीवर के अंदर। अब लीवर क्या करता है? लीवर जो है वो इन अमाइनो एसिड्स को और नाइट्रोजनस बेसिस को तोड़ता है और जब इनकी ब्रेक डाउन करता है तो लीवर जो है वो इसमें से अमाइनो ग्रुप जो है वो बाहर निकाल देता है। नाइट्रोजनस बेसिस में भी अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद होता है और अमाइनो एसिड्स में भी NH2 ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। अब जब NH2 ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप है जब ये लीवर के अंदर बनता है तो लीवर इस प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। लीवर क्या करता है? इस अमाइनो ग्रुप को फिर मजीद ब्रेक डाउन करता है, इसकी मजीद ब्रेक डाउन करता है जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बनते हैं। अब ये जो NH2 ग्रुप जो लीवर इन दोनों को ब्रेक करके हासिल करेगा, अब वो लीवर इस NH2 ग्रुप से जो वेस्ट मटेरियल्स तैयार करेगा वो डिपेंड करेंगे कि वो एनिमल किस किस्म के एनवायरनमेंट में रहता है। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर वो एनिमल जो है वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ़िश की बात करें, फ़िश ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लीवर फिश के अंदर NH2 ग्रुप से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएगा डैट विल बी अमोनिया, वो अमोनिया होगी। लेकिन अगर यही NH2 ग्रुप जो है वो किसी टेरेस्ट्रियल एनिमल में मौजूद है, ज़मीन पर पाए जाने वाले एनिमल में, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिफेंट जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो NH2 ग्रुप से जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के अंदर बनाया जाएगा डैट विल बी यूरिया, डैट इज़ ओ डबल बॉन्ड सी एन एच टू एंड एन एच टू। इसी तरह अगर हम बात करें किसी ऐसे एनिमल की जो ऐसी जगह पर पाया जाता हो जहाँ पर पानी या जिनको पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो, जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको लैंड मैमल्स की निस्बत पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, लिहाजा बर्ड्स के अंदर NH2 ग्रुप से एक ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट बनाने की ज़रूरत है जो बआसानी बर्ड्स जो हैं वो एक्सक्रीट कर सकें। तो बर्ड्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है डैट विल बी यूरिक एसिड, जिसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ड्रा करें तो डैट विल बी C डबल बॉन्ड C NH C डबल बॉन्ड O NH, इसी तरह इस साइड पर भी C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ, तो दिस विल बी अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज यूरिया एंड दिस इज यूरिक एसिड। तो ये वो तीन ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो
प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की मदद से जो है वो एनिमल्स में डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो वजूद में आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में इंट्रोडक्शन के हवाले से, इस हवाले से अगर हम देखें तो पास्ट पेपर में एक MCQs और एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। MCQs क्या है? डेट इज मेटाबोलिज्म ऑफ प्योरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, कि बॉडी के अंदर जब प्योरिन्स और पाइरिमिडिन्स का मेटाबोलिज्म होता है, जब इनको डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में दाखिल किया जाता है, तो बॉडी के अंदर कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनते हैं। तो अंडरस्टूड हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस किया, तो ज़ैंथिन जो है एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो प्योरिन्स और पाइरिमिडिन्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ड्रा स्केचेज ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है पास पेपर्स में। तो हम स्केचेज जो है उनको कुछ इस तरीके से जो है वो मैंशन करेंगे। हमने क्वेश्चन का नंबर जो है वो सेंटर में जो है वो मैंशन करना है, पेपर के आंसर शीट के बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर हमने लिखा स्केचेस कि हमने स्केचेस ड्रा करने हैं किसके, यूरिया के और यूरिक एसिड पर आके हमने उनके स्केच